सबसे पहले मैं सभी जनपद वासियों को विद्युत विभाग की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहां सभी मेरे जनपद के शहर वासियों ग्राम वासियों से अनुरोध है कि वो नए कनेक्शन के जिनके यहां कनेक्शन नहीं है वो अपने जो है क्षेत्र के 4 किलोवाट तक के कनेक्शन देने का अधिकार अवर अवंता को सीधे दे दिया गया है, जिससे किसी को उपभोक्ता को सिंगल विंडो पे अवर अवंता से ही कनेक्शन प्राप्त हो जाए। इसके लिए जगह जगह हमने बोर्ड भी लगा दिए हैं। उसका प्रक्रमण शुल्क कितना होगा, 1 किलोवाट का 1940 रुपये और 2 किलोवाट के घरेलू का 2480 रुपये जमा होता है। अधिकांशतः लोग घरेलू और कनेक्शन ही प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए मैंने ये है। बाकी जगह जगह हमने बिजली घरों पे ये लगा भी दिया है कि कितना उनको शुल्क जमा करना होगा 2 किलोवाट से यदि ऊपर भी लेता है कोई। मैं सभी अपने जनपद वासियों को बताना चाहूँगा कि जो विद्युत में जो प्रदेश सरकार का हमारा लक्ष्य है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा है प्रदेश के लिए कि अक्टूबर 16 से शहर में कम से कम 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 18 घंटे बिजली वो प्रदान करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपील की है कि सभी गांववासी और शहरवासी जो कनेक्शन नहीं लिए हुए हैं वो कनेक्शन प्राप्त करें, जिससे कि राजस्व बढ़े। साथ ही साथ जिन लोगों ने अपने बिल जमा नहीं किए हैं और एक एक दो दो साल से भी अधिक समय से उनके लंबित हैं, वो बिल उसमें जमा करें, जिससे कि राजस्व बढ़े और बेहतर जो है बिजली की आपूर्ति जो है जनपद वासियों को प्राप्त हो सके। इसमें मैं एक और आंकड़ा सभी आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। हमारे जो बिजली खरीद का रेट जो पड़ता है, जो सरकार खरीदती है, वो 4 रुपये 45 पैसे करीब आता है और अमरोहा खंड का इस समय जो वसूली का दर चल रहा है वो प्रति यूनिट 1 रुपये 14 पैसे है, जो खरीद रेट से अत्यधिक कम है। जबकि और जगह पे और शहरों में या और जनपदों में ये अधिक है। मुरादाबाद के कमिश्नरी में ये सबसे कम है पूरे कमिश्नरी में। इसलिए मैं ये अपील करूँगा कि सभी लोग अपना जो है विद्युत बिल समय पर जमा करें। इसके लिए हमारे 5 कैश काउंटर हैं जो अलग अलग जगह पर हैं। 299 पे है, 1 दाऊसराय बिजली केंद्र पे, 1 कलेक्ट्रेट पे है और 1 उपखंड अर्जुन ताकिज कार्यालय पे है। इसके अतिरिक्त एक और सुविधा मोबाइल वैन की भी शुरू की गई है, जिससे जो जगह जगह जाके खड़ी होती है उसको हम अखबार के माध्यम से और प्रचार करते हैं कि इस हफ्ते वो कहाँ कहाँ जाएगी, तो उसमें भी जमा कर सकते हैं वो बिल ऑनलाइन। इसके अलावा नेट बैंकिंग के माध्यम से भी बिल जमा कर सकते हैं, तो ऐसी सुविधाएँ बिल जमा कराने की हैं। यदि किसी उपभोक्ता को कोई बिल प्राप्त नहीं होता है तो वो अपने कनेक्शन नंबर के साथ मेरे मोबाइल नंबर जो 94127-49002 या उपखंड अधिकारी के मोबाइल नंबर 94127-49004 पर SMS करके अपना सर्विस कनेक्शन नंबर और नाम भेज सकते हैं, जिससे और उसमें लिख सकते हैं कि बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनको बिल की सुविधा उसी दिन या अगले दिन उनको घर तक पहुंचा दिया जाएगा उनका बिल। तो ये सुविधा भी हमने शुरू की है। इसके अतिरिक्त मैं जो भी लोग अपना भार बढ़वाना चाहते हैं अधिक है, उनके लिए सिंगल फॉर्म पे अपना पुराना बिल लाकर जमा किया हुआ अंतिम बिल और उसके साथ अपना आवेदन अगर वो खंड या खंड कार्यालय में करते हैं तो उसका उसी दिन वो बिल जो है लोड उनका बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें जो भी धनराशि जमा होगी वो उनकी पुरानी सिक्योरिटी के माध्यम से रसीद लाएंगे, उससे तय होती है और उसको भी एक ही दिन में प्रोसेस कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं सभी लोगों से फिर ये अपील करूंगा कि जो अपने बकाए हैं उन्हें जमा करें, क्योंकि माह जनवरी वर्ष 14-15 वित्तीय वर्ष का अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम त्रैमासिक चल रहा है। इसमें अधिक से अधिक वसूली जो है की जाती है और जिन लोगों ने जमा नहीं किए हैं वो विद्युत विच्छेदन से पड़े। बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो विद्युत विच्छेदन यदि किसी ऐसे समय पर हो जाता है तो उसके बच्चों के भविष्य पर ही फर्क पड़ता है। उस दिन हमारे पास हो सकता है उस पर पैसा ना हो जमा करने का, तो ऐसी असुविधा से बचें, अपने बच्चों के भविष्य को भी ध्यान रखें। और विद्युत विच्छेदन हमारी भी प्राथमिकता नहीं होती,
हमें भी जब जो है काफ़ी समय से बिल जमा नहीं होता है तो ये हमें एक काटने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये हमारी लेकिन प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता सभी शहरवासियों को ग्रामवासियों को अच्छी बिजली बेहतर आपूर्ति देना है और बिल समय से वसूल करना है। इसके साथ ही और यदि कोई समस्या है जैसे बहुत से उपभोक्ताओं को बिल संशोधन या बिल में गलत आना ऐसी भी शिकायतें मिलती हैं, इसके लिए भी अपने उपखंड कार्यालय में घरेलू उपभोक्ता उपखंड कार्यालय में संपर्क करके लिखित में अपना प्रार्थना पत्र दें। यदि उसका निस्तारण एक सप्ताह या तीन दिन में नहीं होता है, जैसी समस्या उनकी है उसके हिसाब से अधिकतम एक सप्ताह में नहीं होता है तो वो खंड कार्यालय में मुझे बताएं तो मैं उसको जो है अविलंब उसको कराऊंगा। इसके लिए एक एक रजिस्टर भी वहाँ बनाए गए हैं जो अपना वो दर्ज कर सकता है उपखंड में भी अपनी शिकायत संशोधन की। तो ये सभी आपकी बेहतरी के लिए विद्युत आपूर्ति आपको बेहतर मिले अच्छी मिले यही मेरा संदेश है। और इसमें आप थोड़ा सा सहयोग करें, आपका केवल एक बिल जमा करने का सहयोग है वो आप समय पर पूरा करें, यही मेरी आशा है आपसे।